सरकार के 2 बछर पूरा होए के खुशी म क्षेत्र के धान सोसाइटी मन म किसान जन सम्मान समारोह के आयोजन करे गईस। यही कड़ी म सीपत धान खरीदी केंद्र म घलो किसान जन सम्मान के आयोजन करे गए रहिस, जेमा खरीदी केंद्र के अंतर्गत सरकार के विभिन्न योजना से लाभान्वित होइया किसान मन ल साल और श्रीफल दे के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कति ले सम्मानित करे गईस। ये मौका में उपस्थित कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विजय के शर्मानी हा किसान मन ला संबोधित करत हुए कहिस के पूरा हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ के सरकार हा पहला सरकार आए जेन हा शपथ ले थी किसान मन के कर्जा ला तुरंत माफ करीस और 2500 रुपया समर्थन मूल्य में धान ला खरीद थे। आदरणीय यशवंत पाटनवाड़ी, केशव कौशिक जी, बद्री कुमार जी, मगन लाल पाटनवाड़ी भैया, हर प्रसाद यादव के करके आज सब किसान है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 70 विधायकों के साथ हम आज 2 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। 1 साल तो हमारा पूरा चुनाव में निकल गया और लगभग 1 साल के आसपास हम कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में जो फैसले लिए, 2500 रुपये में उन्होंने एक किसान का दर्द समझते थे क्योंकि किसान के बेटे हैं, 2500 रुपये में समर्थन में धान खरीदा। साल भर किसान पैसा पा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या ये चाहते हैं कि किसानों को 2500 रुपये मिले? अगर चाहते हैं तो अपने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को कहें कि हम एक मुश्त भी पैसा देने को तैयार हैं। ये राज्य है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है और बहुत से राज्यों में है जो किसानों जो कब उनको मालूम है कि फसल का वाजिब दाम हमें नहीं मिलेगा, पूरे ये कारपोरेट जगत के हाथ में चला जाएगा। ये बिल के जो लागू हुआ है, इसलिए किसान लोग आज 22वें दिन 20 किलोमीटर लंबी लाइन पूरा दिल्ली को जाम करके रखे हैं। इस कानून से सभी को मालूम है, हम तो बात इस मंच के माध्यम से हम बात भी करना चाह रहे हैं। पहले आप समर्थन मूल्य की गारंटी ले लो, जो बिचौलिए लोग धान की खरीदी कर रहे हैं 1300, 1400, 1500 में, हमारा जो 1888 रेट जो समर्थन मूल्य रेट है उनको तय कर लो, जिससे हमारे किसान लोग का नुकसान न हो।